बच्चों को भी मास्क लगा के रखो, छोटे रखो, छोड़ो छोटे जो भी जरा मास्क वास्क मंगा लो मेडिकल में से, मास्क वास्क लगा के पकड़ो बच्चों को। वो इतने बच्चे के साथ पूरे गांव के अलग अलग जगहों में मास्क नहीं है। चलो याकूतपुरा असेंबली हल्के के बद्दी डिवीजन पत्थरगट्टी इलाके में आज रहमत नगर याकूतपुर के इलाकों में गरीब बस्तियों में खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई। नकीब मिलत बैरिस्टर सऊदी ने साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत पर एरिया कॉर्पोरेटर सोहेल खादरी साहब यहाँ की इब्तदाई के लोगों के ताउन से ये इंतजाम किए थे। घरे घर ये पैकेट की तकसीम अमल में लाई गई क्योंकि कोरोना वायरस के जिमन में हमारे इलाकों में, हमारे शहर में, हमारी रियासत में, बल्कि हमारे मुल्क में जनता कर्फ्यू के अनुमान से कर्फ्यू नाफिज किया गया और उसके लिए एहतियाती तदाबीर की हिदायतें दी गई। 60 साल से ज्यादा उम्र वाले और 10 साल से कम उम्र वाले ये लोगों को बाहर निकलने से मना किया गया क्योंकि ये उम्र के लोगों के लिए ये कोरोना वायरस इनके ऊपर असरअंदाज हो सकता है, नाउज़ु बिल्लाह। इसलिए हमारी आवाम से ख्वाहिश है कि अपने बच्चों को और बूढ़े बड़े लोगों को बाहर निकलने से रोके और हमेशा साबुन से हाथ धो के निकले। बाहर निकलते वक्त हाथ धोइए, घर में जाके पहले हाथ धोइए, बाद में दीगर मसरूफियात का काम कीजिए। यह खतरनाक मोहलिक बीमारी है जिसकी रोकथाम के लिए खाली हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक कोहराम मचा हुआ है और इसका तहफ़ इसकी एहतियात में इलाज के लिए ना कोई गोली खाना है, ना कोई इंजेक्शन लेना है, ना कोई दवा का इस्तेमाल है, सिर्फ एहतियात ही इसका इलाज है। इसलिए हुकूमत, मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत, दीगर रियासतों में, पूरे मुल्क में कर्फ्यू नाफिज करके लोगों को घरों में बंद कर दिया और अपील की कि घरों में ज्यादा से ज्यादा रहे। अब हमारे पास रियासत तेलंगाना में भी इस पर पाबंदी और सख्ती के साथ अमल किया जा रहा है। नमाजें पढ़नी है तो घरों में पढ़ लें। अल्लाह ताला ये हालात में मस्जिद की नमाज का सवाब घर की नमाज में अता करेगा, उसकी रहमत से हम पुरउम्मीद है। और जहां तक हो सके कम तादाद में लोग मस्जिदों में नमाज पढ़े और फौरी वजू करे, घर में सुन्नत घर में पढ़े, फर्ज मस्जिद में पढ़े, फिर घर में आके सुन्नत पढ़े, कम से कम टाइम मस्जिद में गुजारे और ज्यादा से ज्यादा इबादतें घरों में करें। इसी तरीके से जुम्मे के लिए भी हुक्म है कि कम लोग कम तादाद में मस्जिद में नमाज पढ़े और फौरी घर को लौट जाए। ये हिदायतें हैं, इसके एहतियाती तदाबीर के तौर पर मैं हमारी इब्तदाई के रहमत नगर के अतराफ अकनाफ की इब्तदाई के तमाम सुदूर मुतमदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये तमाम करके गरीबों के लिए खाने का इंतजाम किया और इसमें सोहेल खादी साहब कॉर्पोरेटर की सरगर्मियाँ और उनका नुमाया खिदमत भी शामिल है, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला ये बीमारी से सबको महफूज रखे और हमारे मुल्क को और पूरी दुनिया के आवाम को उनकी जानों की हिफाजत करे इंशाल्लाह ताला। दवाओं के साथ दुआओं को, एहतियात के साथ दुआओं को जारी रखे, इंशाल्लाह ये मर्ज़ी हमको निजात मिलेगी और तमाम तहफ़ुज़ के साथ, हिफाजत के साथ रहेंगे।